आंखें बंद कर, आंखें बंद कर भावना। पहली बार आई है यहाँ जब काम। बोलिए शनिदेव महाराज की। अरे वो बड़ा सा लड़का था, अब उसमें टीवी में बात हो गई थी, दिख रही थी तना बाद में दिख रही थी, उसमें आई थी एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में तो पता नहीं क्या क्या आएगा, तुम्हें दिख तो नहीं रही थी, डॉक्टर ने तुम्हारे सामने ऑपरेशन किया। क्यों आप, ये आपकी क्या लगती है जब वाइफ तू क्यों कह रहा है, अंग्रेज है धर्म पत्नी क्या भंडारा है, तुमने ही तो बिगाड़ दिया है सारा देश। वाइफ है, अरे 70 साल की उम्र है तुम्हारी, धर्मपत्नी नहीं कह सकते। वाइफ क्या होती है ये बता दो मुझे, वाइफ नाइफ बराबर होती है, आगे समझ में क्या कहोगे, धर्मपत्नी माताजी पिताजी धर्मपत्नी आगे ना और पति देव, यही तो शब्द है हमारे, अपने ही शब्दों से चूक गए तो फिर बाण कैसे चलाओगे, शब्द वेदी बाण चलाया कि नहीं, अब कौन चलाता है, इसलिए नहीं चलाता। हाँ फिर अंग्रेजी में कहें बोल गया, मैं देखता हूँ कष्ट, मैं इनके कान में फूंक मारता हूँ, वो कान की फूंक अभी जो मारी है वो पेट में जाएगी, झूं 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 करेगी, तो मेरा है वरना नहीं। आँख बंद करके महसूस करो, अगर पेट में छिपकियाँ चल रही हैं बहुत सारी तो मेरा है रोग, वरना मेरा नहीं है, डॉक्टर का ही है, डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा, फिर मेरे लेके चाहे आयुर्वेद वाले को दिखा चाहे एलोपैथी वाले को दिखा, इतनी देर के लिए आँख बंद नहीं होती तुम्हारे से, क्या करोगे तुम, कहाँ से आए हो तुम, हैं हमारी सभ्यता ही नहीं है, हम तो चाहते हैं कोई आँख खोलने के लिए कहें, तुम्हारी बंद ही नहीं होती, सभ्यता थी आँख बंद करने की, आँख बंद करके अंतर को ढूंढने की सभ्यता होगी दूसरी। पेट में कुछ महसूस हो रहा है, झनझनाहट चीटी जैसा, क्या नाम है तेरा, बोलिए शनिदेव महाराज की। क्या नाम है, आँख बंद करो फिर देख पेट में कुछ हो रहा है क्या, नहीं मुंह खोल, मुंह बंद कर हवा को नीचे ले जा, नाक में से हवा पार नहीं होने देते, जरा सी भी नहीं जाने देते, नहीं समझे, समझ गए, पेट में कुछ हुआ है फिर खोल मुंह, अब ले जा हवा को अंदर, अगर पेट में कुछ होगा तो समझ ठीक हो जाएगी। क्या नाम है, राखी, राकेश, राकेश करे रहेगी, इतने बुढ़िया ने चाम बनना ले ली, इतने वो करे रखी, इतनी होशियार है, इतने मुट्ठी खोले रखी, इतने चाम बनना ली, क्यों करे रखी, अब मेरे को क्या दे रही है, जब तेरे को दे ही दिया तो प्रसाद, पेट देख पेट क्या हो रहा है बेटे, इसको तो रख ले, इसके प्रसाद को और वहां तक चला के लेके आ, और फिर कुछ पेट में क्या, पैर मारते हुए जय श्री देव बोलते, नहीं मारना ऐसे ही ले जाओ, ऐसे ही खराब है, अच्छा जय श्री देव, अगर पहली बार आए जी, कितना बहाना है अभी रात के 11 बजे आगे ना, मुझे व्यापारिक बातें मत बताओ, ना मैंने पढ़नी ना मैंने देखनी ना वो मेरा काम ना मेरा वर्चस्व उसमें, कौन मलिन हो गए, नहीं आपके पिता मलिन हो गए ये थोड़ी ना कह रहे हैं, पितर में तो उनके भी तो पिता होंगे और उनके भी चाचे ताए होंगे, तो फिर आप उसकी चिंता ना करें, आपके शरीर में कुछ महसूस होता है तो मुझे बताओ तो ही मैं कुछ करूँगा, उसके लिए तो आप दीपदान कर देंगे वो भी ठीक हो जाएगा ये। तो तुम्हें ये बात समझ, बूढ़े ने बोला, अरे भाई इसका बूढ़ा कहाँ गया, खो गया क्या, इसको यहाँ रखना है, आप कहाँ से आए हो बाबू जी, जिला मुजफ्फरनगर में, कहाँ से, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ इनको 4-5 दिन लेके यहाँ रुक जाओ, बेशक दवाई पी लो लेकिन पहले से ज़्यादा आराम लगेंगे, मुझे लगता है इसके पेट में सब मेरी चीज़ें हैं, लेकिन वो पता नहीं चलेगा ये ठीक से ना तो वर्णन कर पा रही है, तो बस दो दांत दिखा रही है ना बता पा रही है, मैं पूछा झंझनाहट होती है कहाँ, हो रहा है कुछ की, हाँ
लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इसको आराम पड़ जाएंगे पूरे के पूरे, इसको 3-4 दिन यहाँ रख ले मेरे कहने से आया, और फिर आराम पड़े तो ज़्यादा दिन रखो, फिर पता चले दवाई भी छूट जाएगी आगे, ये सारे काम नॉर्मली करने लग जाएगी। बोलो जय शनि, मिल भी।